नमस्कार, मैं चौबे सर नौकरी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नौकरी वाला यूट्यूब चैनल प्राइवेट एवं सरकारी नौकरियों का अपडेट सबसे पहले लेकर के आता है। तो आज हम आपके बीच एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वैकेंसी इसरो की है, इसरो स्पेस सेंटर की वो वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नौकरी के अपडेट जानने के लिए नौकरी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसरो की वैकेंसी पे कैसे जाएं, कैसे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो आपको गूगल क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम में जाकर के और इजी वे ग्लोबल सर्च करना है, जैसे ही आप इजी वे ग्लोबल सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के चला आता है। ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके चला आता है। इसके बाद आपको आईटीआई जॉब पे क्लिक करना है। जैसे आईटीआई जॉब पे आप क्लिक करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप, गवर्नमेंट जॉब पे आप क्लिक कीजिए। गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ही दिखाई दे रहा होगा इसरो, आईटीआई के लिए सरकारी नौकरी, ये इसरो दिखाई दे रहा होगा। अब इसरो पे आप जाइए और यहाँ पे रीड मोर दिखाई दे रहा है, रीड मोर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही रीड मोर पे आप क्लिक करते हैं तो इसका सारा डिटेल्स खुल के चला आता है, इस डिटेल्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023 है, इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में आपको जरूर रखना है कि 21 अगस्त 2023 पहले से आपको फॉर्म को भर लेना है। अब यहां पे जाइए, अप्लाई ऑनलाइन और क्लिक हेयर, यहां पे यूआरएल के नीचे जो क्लिक हेयर दिया हुआ है इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यदि जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन से आपके यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद इसमें ध्यान से देखिए, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, बहुत सारी वैकेंसी आई है, बहुत सारे ट्रेड के लिए आई है, अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, आपको इसके बारे में पूरा इसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कि कौन से ट्रेड में कितनी सीटें हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम डाउनलोड करके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखे हुए, आप देखिए आपके सामने ये पूरा नोटिफिकेशन दिख रहा है। ठीक है ना, ये अहमदाबाद का है। ये कहां का है, ये जो स्पेस सेंटर है, ये आपका स्पेस सेंटर अहमदाबाद का है। ठीक है, यहां पे देखिए इसका, ये जो स्पेस सेंटर है ये अहमदाबाद का है। इस स्पेस सेंटर में आपको जॉब मिलेगा। अब देखिए पद के हिसाब से आपको हम पूरा डिटेल्स बता देते हैं कि किस ट्रेड में कितने सीटें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको फीटर ट्रेड, एक नंबर में जो है वो आपको फीटर ट्रेड, टेक्नीशियन के लिए, फीटर ट्रेड वालों के लिए आपको जॉब इसमें दिया हुआ है। टोटल 4 सीट है। मैट्रिक के साथ साथ आपको फीटर ट्रेड से आईटीआई करना या आईटीआई आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद दूसरा में है आपका टेक्नीशियन मशीनिस्ट। इसमें भी टोटल सीट एक है, इसमें भी मैट्रिक के बाद आपके पास मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई होना अनिवार्य है। तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, इसमें टोटल 15 सीट है, सबसे अधिक सीट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ही है, इसमें भी मैट्रिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई होना जरूरी है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं नंबर चार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड में टोटल 5 सीट है, इसमें भी आपको फॉर्म भरने के लिए आपको मैट्रिक के बाद आईटी से आईटीआई होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका आईसीटीएसएम एक ट्रेड होता है जिसके लिए भी 5 सीट है, पूरा का पूरा 5 सीट है, इसमें भी मैट्रिक के बाद आईसीटीएसएम ट्रेड से सूचना एवं प्रौद्योगिकी होता है, इसका हिंदी,
उस ट्रेड से आपको आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद नंबर छह, नंबर छह में आपको इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए एक सीट है, वो भी ओनली फॉर ओबीसी के लिए है। इसमें भी मैट्रिक के बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई होना अनिवार्य है, या फिर एनटीसी या फिर एनएससी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यह भी रहेगा तो काम आपका हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। सात नंबर में ड्राफ्टमैन मैकेनिक, यानी कि ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए एक सीट है, इसमें भी आपको मैट्रिक के साथ साथ ड्राफ्टमैन ट्रेड से आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है। आठ नंबर का आपका जो सीट है वो आठ नंबर आपके केमिकल वालों के लिए है, जो केमिकल ट्रेड से आईटीआई किए हैं उनके लिए है, इनके लिए एक सीट है। ये मैट्रिक के बाद लेबोरेटरी सहायक में जाते हैं, जो रासायनिक संयंत्र बोला जाता है, मैट्रिक के बाद इनको केमिकल ट्रेड से आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है। नौ नंबर में टर्नर, टर्नर लगभग सभी लोग जानते हैं, इनके लिए भी एक सीट है, मैट्रिक के बाद टर्नर ट्रेड से आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये टर्नर ट्रेड दिख रहा है आपको, मैट्रिक के बाद टर्नर ट्रेड से आईटीआई होना अनिवार्य है। दस नंबर, ये टोटल लास्ट वैकेंसी है आपकी, वो एसी एंड रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, इसके लिए आपको एक सीट दिया हुआ है, और मैट्रिक में, मैट्रिक के साथ साथ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग से आईटीआई ट्रेड में आईटीआई होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आगे आपको हम इसमें बता देते हैं कि आगे महत्वपूर्ण इसकी और जानकारियां जो आपको चाहिए, वो हमें लग रहा है कि हम आपको बता देना चाहिए, तो वो चीज हम बता रहे हैं। इसका देखिए पे स्केल, इसका जो पे स्केल है 21,700 है, बहुत बढ़िया पे स्केल है, ठीक है ना। इसका पे स्केल 21,700 है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज दिया हुआ है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है चयन प्रक्रिया, ये सबसे पहले आपको रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट को अब सीबीटी में चेंज कर दिया गया है, आपका सीबीटी टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सीबीटी टेस्ट में आपको कितना नंबर लाना अनिवार्य है, तो जनरल के छात्रों के लिए, जो जनरल छात्र हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको जो रिटेन टेस्ट होगा वो 80 नंबर का होगा, जिसमें 32 अंक लाना अनिवार्य है। कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 100 में से 50 अंक लाना अनिवार्य है, और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको रिटेन टेस्ट में 80 में से 24 अंक लाना अनिवार्य है, और 100 में से 40 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण डेट है वो आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 21 तारीख तक, और उसको करेक्शन करने का भी लास्ट डेट 21 तारीख है। इसके अलावा कोई डेट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप जल्द से जल्द जाकर के इस फॉर्म को भर लें। देखिए यहां पे आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 1/8 से यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद लास्ट डेट आपका 21/8/2023 है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके बीच हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया। बाकी आपको और गहरा से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल क्रोम में जाकर के इजी वे ग्लोबल सर्च मार के, यानी कि सर्च करके, और आप उसे डाउनलोड करें, या डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लें। बाकी और जानकारी आपको कैसे लगी हमारी, वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।